हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और नेक पैगंबर थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया की बादशाहत दी थी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मैं आपकी सारी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से वही आई, नहीं सुलेमान, ये तेरा काम नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की तो उनको इजाजत मिल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जिन्नात और इंसानों को खाना बनाने पर लगा दिया और हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। इतना सारा खाना बन गया था कि दस्तरखान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में एक महीने का वक्त लग जाए। जब खाना तैयार हो चुका था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, खाना तैयार हो चुका है। अल्लाह ने कहा, पहले किसको खिलाओगे, जमीन वालों को या पानी वालों को? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पानी वालों को पहले खिला देता हूँ। तभी एक मछली पानी से बाहर आई और सारा खाना एक निवाले में खा गई। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगी। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है जो हर एक चीज पर कादिर है।